फ्रेंड्स में आते हैं और डिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाना बड़ा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें घी की मात्रा भी बहुत ही कम लगती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी साबूदाना लिया है। इसको मैंने एक कप पानी में एक घंटे के लिए भिगो दिया, उसके बाद स्ट्रेनर में निकाल के और इसको हमने एक घंटे के लिए और रख दिया जिससे कि इसमें पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और आप देख सकते हैं अंदर तक पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और ये अच्छे से फूल चुका है। दो मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू, इनको मैंने मैश कर लिया। एक कटोरी मूँगफली के दाने जिसको कि मैंने रोस्ट करके उसके बाद छिलका हटा के इसका पाउडर बना लिया। दो हरी मिर्च और हरा धनिया, सेंधा नमक टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं साबूदाना डाल दूंगी और आलू भी डाल दूंगी, मूंगफली के दाने का पाउडर, हरा धनिया और हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। इसको हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया है। मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज हम इसमें कोई भी मसाले यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला है और भी बहुत सारे मसाले होते हैं और लाल मिर्च पाउडर है, बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे चटपटा और तीखा बना सकते हैं। तो फाइनली सारी चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और डो भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली डो हमारा बनकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा हाथ में घी लगाएंगे और बड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगाया, घी हमने इसलिए लगाया कि जब हम डो लें तो हाथ में डो चिपके ना, और इसका हम बड़ा बनाएंगे। तो इसको हम गोला काट देंगे, इसे हम अपने मेकर में बनाएंगे तो इसलिए हमने इसको गोल बनाया है। ये आप देख सकते हैं, इसी प्रोसेस में हम दूसरा बड़ा बना लेंगे। बड़ा आप अपने साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जो भी साइज आपको पसंद हो। इसी प्रोसेस में हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। सारे बड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। एक हमने इसमें पान का आकार दिया है, इसको मैंने गोल कर लिया। उसके बाद चाकू की नोक से हमने इसका शेप देके कटिंग कर ली। तो अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। अब हम बड़े सेकेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपे मेकर रखा है। गैस के फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है और एक साइड में तवा रखा है। तो अपे मेकर में मैं घी डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। बहुत ज्यादा घी हमें नहीं डालता, तरह से जितने भी बड़े हमको बनाने सब में हम घी डाल देंगे और इसके बाद एक एक करके हम इसमें लगा देंगे। सारे बड़े हमने अच्छे से लगा दिए
और यहाँ पर मैं तवे के ऊपर भी थोड़ा सा घी डालूंगी। और इस पे मैंने जो पान वाला सेब बनाया था उसको मैं रख दूंगी। घी को थोड़ा सा तवे को तिरछा करूंगी जिससे कि घी इसके अंदर पहुंच जाए। और गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो मीडियम रखूंगी। बड़ों को हम 2 मिनट तक ढककर सेकेंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे और इसको भी हम ढक देंगे। 2 मिनट हो गया, अब हम चेक करेंगे। बड़े हमारे एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे। बहुत ही आराम से इन्हें पलटना। सारे बड़े मैंने पलट दिए हैं, अब इसे फिर से हम ढक देंगे और 1 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसको भी हम पलट देंगे। हमें इसको बहुत ही सावधानी से पलटना है और हल्का सा पुश करके हम इसको दबा देंगे और फिर इसे हम ढक देंगे। 1 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे। बड़े दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखते हैं पलट के। इसको हम अभी 1 मिनट खुला ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को हमारी यह बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। इन्हें हम 1 मिनट तक और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। इसको भी हम चेक करेंगे, ये भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम को देंगे बंद कर और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बड़े हमारे क्रिस्पी हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डिश है जो लोग ज़्यादा तेल चिकना ही नहीं पसंद करते हैं। वैसे तो हमने इसको घी में बनाया है, आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। ना लिया जाए, साबुदाना बड़ा बनकर तैयार है। इसे आप हरे धनिया की चटनी के साथ खाएं या नारियल की चटनी के साथ, यह बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू।